जी इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची में और आपको मनाजिर दिखा रहे हैं ग्राउंड के किस तरह का रात को मंजर पेश कर रहा है ये ग्राउंड। और ग्रीन टीम पे आप हमें देख रहे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पिचेस इस वक्त कवर्ड हैं, हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो पिचेस इस वक्त कवर्ड हैं, ग्राउंड को इस वक्त पानी दिया जा रहा है और ये भी हिस्सा होता है कि ग्राउंड को पानी दिया जाए, क्योंकि ग्राउंड को जब पानी दिया जाता है तो ये जो आउटफील्ड है ये लश ग्रीन रहती है। और नेशनल स्टेडियम का रात का आप मंजर देख रहे हैं, छतों की पोजीशन हम दिखाते हैं। हमजा अगर आप इस तरफ से घुमाएं और कायद इंक्लोजर दिखाएं तो कायद इंक्लोजर में छतों का काम जो है वो पूरा हो चुका है, इसके साथ साथ हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर में भी छतों का काम पूरा हो चुका है। मेन बिल्डिंग आप देख सकते हैं नेशनल स्टेडियम कराची की, मेन बिल्डिंग के साथ साथ अगर हम आपको जावेद मियादाद इंक्लोजर दिखाएं तो वहाँ पे सीट्स की इंस्टॉलेशन भी कर दी गई है। और सीट्स की इंस्टॉलेशन के साथ साथ अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया हो गया जिसमें ज़हीर अब्बास इंक्लोजर है, इमरान खान इंक्लोजर है, माजिद खान इंक्लोजर है, इंतखाब आलम इंक्लोजर है और नसीमुल गनी इंक्लोजर है। यहाँ पर जो है वो सीट्स की इंस्टॉलेशन जो है वो पूरी कर दी गई है। ग्राउंड्समैन से हमारी बात हुई है, रिजवान जो यहाँ पर क्यूरेटर हैं, पिच इंचार्ज हैं और पिच बना रहे हैं, तो रिजवान का ये कहना है कि पिच जो होगी वो एक अच्छी पिच होगी। और ग्राउंड में इस बार जो है वो घास को सिंपल रखा गया है, कोई शेप नहीं दिया गया। पिछली बार अगर आप देखें तो PSL के मैचेस में शेप दिया गया था लेकिन इस बार कोई शेप नहीं दिया गया, तो सिंपल ग्रास होगी लेकिन जो विकेट होगी वो बैटिंग के लिए साजगार होगी और काफ़ी छक्के चौके देखने को मिलेंगे। और अगर आउटफील्ड दिखाएं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आके अगर ये आउटफील्ड दिखाएं तो लश ग्रीन आउटफील्ड इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची की हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके का ये कलर सीट्स पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो बनाया गया है। रात के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको अगर हम बताएं तो पीछे मेन बिल्डिंग नेशनल स्टेडियम की, और इस बिल्डिंग पर भी खासी मेहनत की गई है, खासा काम किया गया है और मीडिया बॉक्सेस को नए से बनाया गया है, चेयरमैन बॉक्सेस को नए से बनाया गया है, इसके साथ साथ ड्रेसिंग रूम्स की रेनोवेशन की गई है। तो ड्रेसिंग रूम्स के मनाजिर भी दिखाएंगे, थोड़ा सा आपके साथ हम चलते हैं और आपको मज़ीद भी दिखाते हैं। माइक जो है वो हमारे हाथ से छूट गया लेकिन माइक के साथ साथ हम इधर ही मौजूद हैं, आपको ग्राउंड के मनाजिर दिखा रहे हैं। ये पानी दिया जा रहा है, अगर आप दिखाएं तो ये बाउंड्री से बाहर का वाला हिस्सा है, यहाँ पर फोटोग्राफर्स वगैरह बैठते हैं, वो यहाँ पर अपना काम करते हैं और प्रोडक्शन की दीगर टीम्स भी बैठती हैं। लेकिन अगर हम आपको दिखाएं तो ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के साथ लाइट टावर्स को भी कहा जा रहा था कि रिप्लेस किया जाएगा लेकिन लाइट टावर्स को जो है वो रिप्लेस नहीं किया गया। और थोड़ा सा मैं भी टर्न अराउंड करता हूँ, मेरे साथ मेरे कैमरामैन भी टर्न अराउंड कर रहे हैं ताकि आपको ग्राउंड के दूसरी तरफ के भी मनाजिर दिखाए जा सकें। और यहाँ की अगर हम बात करें तो काफ़ी नया लुक पेश कर रहा है नेशनल स्टेडियम, इससे पहले ये लुक पेश नहीं किया था नेशनल स्टेडियम ने। सीट्स के कलर्स अगर हम देखें तो रेम्बो कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और ये एक स्क्रीन यहाँ पर बनाई जा रही है, ये साइड स्क्रीन के सामने रखी जाती है जहाँ पर स्पॉन्सर्स की भी होल्डिंग्स होती हैं और इस पर स्पॉन्सर्स भी आपको नज़र आते हैं डिफरेंट। ये मेन बिल्डिंग है नेशनल स्टेडियम की और मैं चाहूँगा कि हमजा मेरे साथ थोड़ा सा आएँ ताकि हम पीछे चलें और आपको बिल्डिंग के जो मनाजिर हैं वो थोड़े से करीब से भी दिखा सकें कि नेशनल स्टेडियम की ये बिल्डिंग कैसा मनाजिर पेश कर रही है। और ये आप नेशनल स्टेडियम की बिल्डिंग देख सकते हैं, साइड में हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर है और ये आपको ड्रेसिंग रूम्स आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त लाइट ऑफ है ड्रेसिंग रूम्स की, सो आपको ऐसा मंजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको बताया जाए ओवरऑल नेशनल स्टेडियम का तो ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है कि अच्छे से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की मेज़बानी करे। और इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ, ऊपर स्पाइडर कैम का जो है वो सामान भी इंस्टॉल कर लिया गया है जिसकी पिक्चर्स हमने नेशनल स्टेडियम में शेयर की थी, वीडियो भी हमने शेयर की थी पहले ग्रीन टीम पर, तो आपने वो भी देखी होगी कि स्पाइडर कैम भी यहाँ पर लग रहा है, हॉकाई कैमरा भी यहाँ पर लगाया जा रहा है, इसके साथ साथ प्रोडक्शन के वो तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो जदीद प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो दुबई में हमें नज़र आई थी प्रोडक्शन, वैसी ही प्रोडक्शन यहाँ पर होने वाली है। आपको मज़ीद भी दिखाते हैं मनाजिर, प्रोडक्शन का सामान दिखाना चाहिए, कहाँ है बाहर पड़ा हुआ।
ठीक है जनाब, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको अंदर की तरफ भी मनाजिर दिखाते हैं और प्रोडक्शन का जो सामान है वहाँ पर वो भी पड़ा हुआ है। अंदर की तरफ चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये टीम्स एरिया है। ऊपर ड्रेसिंग रूम आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ से जो है वो